भाई बूम बूम, 18,700 डॉलर मेरे बन चुके हैं। एंड गाइस यू कैन सी मेरा रियल अकाउंट का बैलेंस कितना हो चुका है, 65,563 डॉलर। सो गाइस देखो भाई, देखो मैं सबसे पहले आप लोगों को अपने ट्रेड हिस्ट्री दिखा देता हूँ। आप मेरी ट्रेड हिस्ट्री देख सकते हो, कितने सारे मैं आपको अपनी ट्रेड हिस्ट्री इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि भाई जो आज की चीज होने वाली है बहुत तगड़ी चीज होने वाली है। भाई आप लोग मेरी ट्रेड हिस्ट्री देखो भाई, देखो। एंड गाइस यू कैन सी माय रियल अकाउंट बैलेंस जो हमारा पहुंच चुका है 56,763 डॉलर पर। अब मैंने कैसे किया, हाउ? भाई देखो, आज मैं बैठा था, आज हमारा ओटीसी मार्केट लगा हुआ था। मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक तगड़ी सी वीडियो बनाई जाए जो कि ओटीसी मार्केट में 100% वर्किंग शॉट आपको निकाल के दे और आप लोग ओटीसी मार्केट में प्रॉफिट अच्छा खासा कर सको। तो देखो गाइज, सबसे पहले मैं आपको जो स्टेप बता रहा हूँ वो आपको स्टेप फॉलो करने होंगे। सबसे पहले भाई, अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, फटाफट यार वीडियो को लाइक और कमेंट कर दो। एंड भाई डिस्प्ले पे आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप का रिव्यू शो हो रहा होगा। जो भी मेंबर आप तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ है भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फटाफट हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जहां पे आपको नॉन मार्जिनल प्लस शोज ट्रेड दिए जाते हैं, दिन के अच्छे खास आपको ट्रेड दिए जाते हैं विदाउट एनी फीस, नॉन मार्जिनल प्लस आपको लाइव ट्रेडिंग भी सिखाया जा रही है। अगर आप लोगों का भी क्वाइट इसमें लॉस है बहुत बड़ा तो आप लोग डेफिनेटली उसको रिकवर कर सकते हो हमारे ग्रुप से। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फटाफट हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ मेरी जान। अगर परसेंट हमारा लिंक काम ना करे तो डिस्प्ले प्लस डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम आईडी आपको शो होगा, आप लोग मुझे वहां पे मैसेज करना, मैं आप लोगों को अपने टेक्निकल शॉर्टकट वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा जिसकी कोई भी फीस नहीं है। सो गाइस देखो, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है हमारी एक बग पे बग, समझ लो एक बहुत तगड़ी स्ट्रेटेजी है और वर्किंग स्ट्रेटेजी है। देखो सबसे पहले जो आप लोगों का टाइम फ्रेम होगा वो टाइम फ्रेम इसमें 2 मिनट रहेगा, 2 मिनट। यस, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, ठीक है। सेकंड स्टेप जो आपका चार्ट फ्रेम रहेगा, चार्ट फ्रेम आपका 1 मिनट रहेगा, ठीक है, सेकंड स्टेप, ठीक है। अब आप लोगों को क्या देख रहे हैं, देखो ओटीसी मार्केट समझो पहले क्या होता है। ओटीसी मार्केट में कभी भी कोई भी लेवल फॉलो नहीं होता, अगर कोई लेवल फॉलो होता है वो 1 या 2 टाइम फॉलो हो सकता है, 30 टाइम फॉलो नहीं होगा, क्योंकि ओटीसी मार्केट बनाया ही इसलिए गया है गाइस कि वो कोई भी लेवल फॉलो नहीं करती ओटीसी मार्केट। बट तो बंदे उसमें ट्रेड नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए, बट तुम्हारा भाई एक ऐसी चीज निकाल के लिया है इस चीज के लिए कि देखो जब भी आपका ओटीसी मार्केट होगा और आपको ट्रेडिंग करने की इच्छा होगी, आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो। यस यस, मैं रियल कह रहा हूं, आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो भैया। यस भाई, यस 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 भैया, यस ब्रदर। देखो आपने देखा होगा, देखो मैं आपको एक दो चीज समझा, देखो ये हमारा सपोज का एक कैंडल है, ये हमारा मार्केट नीचे गिर रहा है, यहाँ पे मार्केट नीचे गिर रहा है, फिर ऐसे उठता उठता ऐसे उठता उठता ऐसे फिर उठता उठता मार्केट ऐसे ऊपर आ गया, अब तक यहाँ पे ऊपर आ गया, फिर यहाँ पे ऊपर आ गया, मतलब इसी लेवल पे आ गया। तो ये हमारा कौन सा लेवल होता है, ये हमारा होता है गाइस, हमारा एक ही जो लेवल होता है वो होता है हमारा रेजिस्टेंस लेवल। सही बोल रहा हूँ गलत? यस बिल्कुल सही बात है। हम लोग क्या करें, ट्रेड पैलेस करें, जैसे रेजिस्टेंस लेवल का मार्केट टच करेगा हम यहाँ पे ट्रेड पैलेस कर देंगे 2 से लेकर 3 या 1 मिनट के लिए डिफॉल्ट टाइम फ्रेम में डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि गाइस हमारा हमें करवा के चला जाएगा लॉस, क्योंकि भाई मार्केट कौन सा चल रहा है, मार्केट चल रहा है गाइस ओटीसी, और ओटीसी में कोई भी लेवल फॉलो नहीं होता। तो आपको यहाँ पे क्या करना है जिससे आपको प्रॉफिट हो सके, सुनो मेरी बात, आपका या तो सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, कोई सा भी आपका लेवल हो, आप लोगों को क्या करना है, जैसे मार्केट आपके लेवल पे आता है या आपकी ट्रेड लाइन में मार्केट चल रही हो, ट्रेड लाइन में चल रही हो, रेजिस्टेंस में चल रही हो, सपोर्ट में चल रही हो, ट्रायंगल में चल रही हो, कैसे ही चल रही हो, ठीक है, या साइडवेज में चल रही हो, आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है जोन सा लेवल मार्केट फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उस मार्केट ने वो लेवल एक बार फॉलो कर लिया गया, अगर उस मार्केट ने वो लेवल 1 या 2 बार फॉलो कर रखा है तो जो आप नेक्स्ट जो ट्रेड करोगे वो करोगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में। सपोज करो मार्केट यहाँ पे इन लेवल को फॉलो कर रहा है तो आप क्या करना, ओटीसी मार्केट है फॉलो नहीं होगी कोई भी चीज, तो आप क्या करना, जो आप जो ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में पहले कर रहे थे ना वही ट्रेड आप अपवर्ड डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देना, एंड अपवर्ड डायरेक्शन में पहले कर देना, एंड जो टाइम फ्रेम रहेगा वो 2 मिनट में ट्रेड आपको अपवर्ड डायरेक्शन में पहले करना है। भाई डेफिनेटली आपका शोर शूट लगेगा क्योंकि हमने ओटीसी मार्केट में ट्रेड जो किया है वो अपवर्ड डायरेक्शन में किया, मतलब हमने एक तरह से ब्रेकआउट वाला ट्रेड किया, क्यों, हमको पता था ओटीसी मार्केट में कोई भी लेवल फॉलो नहीं होता इसलिए हमने वहां पे गाइस ब्रेकआउट का ट्रेड पहले कर दिया।
समझो, अब मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखाता हूँ भाई। देखो तुम्हारा भाई लाइव दिखाते कि एक चीज ही देखो, हमारे यहाँ पे कौन सा लेवल है, रजिस्ट्रेशन लेवल है नहीं है, है नहीं है, है रजिस्ट्रेशन लेवल, ठीक है भाई। मार्केट इसको फॉलो कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। अब हमें क्या करना है भाई, हमें लगा कि भाई यहाँ पे मार्केट ने इस चीज को फॉलो, ओटीसी है डेफिनेटली मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना था, हमें यहाँ पे जैसे हमने अभी यहाँ पे हमने अपॉर्चुनिटी का वेट किया, अपॉर्चुनिटी का हम इंतजार कर रहे थे, ठीक है। हमें जैसे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी वैसे ही गाइस हमें जो ट्रेड पैलेस करना है वो करना है इसमें अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ। क्यों हम इसमें लेवल टू लेवल ट्रेड फॉलो नहीं करेंगे भाई, मार्केट लेवल टू लेवल ट्रेड जो फॉलो है वो फॉलो में नहीं चल रहा है गाइस, वो फॉलो में नहीं चल रहा है भाई। क्यों, ओटीसी मार्केट है, पता नहीं वो कब ब्रेकआउट दे। तो अगर आप लोग ट्रेड करो ओटीसी मार्केट में तो ब्रेकआउट के ही ट्रेड करो, कभी भी लेवल फॉलो ट्रेड मत करो, बिकॉज ओटीसी मार्केट में कभी भी लेवल फॉलो ट्रेड नहीं होते भाई। देखो अब हमारा यहाँ पे कैंडल बन रही है, कैंडल बनने के बाद आप लोग देखो यहाँ पे डेफिनेटली हमारा मार्केट अप डायरेक्शन में गया। अगर आप लोग यहाँ पे दो मिनट के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लेते तो गाइस वो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट में होता, 100% आपका प्रॉफिट में होता, क्योंकि आपने ब्रेकआउट का ट्रेड किया है और मार्केट कौन सा प्लान लग रहा है, ओटीसी, ठीक है। आई होप आपको चीजें इतनी समझ में आई होगी, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक दो चीजें और दिखा देता हूँ आपको, कि जो आपकी चीजें यहाँ पे काम आने वाली है ओटीसी मार्केट में, आपको ले जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो भाई, अरे मतलब पता है ये चीज भाई बहुत काम आती है गाइस, यही चीज होती है जो इंसान को आगे लेके जाती है। देखो ये लेवल बहुत देर से मार्केट फॉलो कर रहा था, ये देखो ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट कर दिया या नहीं कर दिया। देखो अगर आप लोग यहाँ पे दो मिनट के लिए ट्रेड लेते होता परफेक्ट प्रॉफिट होता, ठीक है। तो भाई ओटीसी मार्केट में कभी भी लेवल टू लेवल ट्रेड मत करो, ब्रेकआउट वाले ट्रेड करो, जितने भी तुम ट्रेड करो। अगर आप लोग 20 ट्रेड करो तो डेफिनेटली आपका 18-19 तो 100% आपके प्रॉफिट में जाएंगे, बिकॉज वो ओटीसी मार्केट है, उसमें लेवल फॉलो नहीं होते, कभी कभी हो जाते हैं, हर बार नहीं होती है, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे ट्रेड पैलेस करके दिखाऊंगा गाइस। सो गाइस देखो मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है गाइस, मैं यहाँ पे आपको ट्रेड पैलेस करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ यहाँ पे ड्रॉ करके, सबसे पहले ठीक है। अभी देखो जो मार्केट यहाँ पे ड्रोन जोन में चल रहा था वो चल रहा था यहाँ पे ट्रेड लाइन में। देखो मार्केट यहाँ पे लेवल टू लेवल फॉलो कर रहा था। अब देखो आप ध्यान से, मैं आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो लाइन बिल्कुल परफेक्ट ड्रॉ है, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से ड्रॉ है। अब मार्केट ने क्या किया, देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल तो हमारी बनी बट इसने ब्रेकआउट दिखा दिया। सो गाइस मैं यहाँ पे जो ट्रेड पैलेस करने वाला हूँ वह मैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए गाइस मैं यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन तरफ जाने वाला हूँ। गाइस मैंने यहाँ पे ट्रेड पैलेस किया, मैंने यहाँ पे लगाया 2 मिनट के लिए, क्योंकि भाई मुझे यहाँ पे बिलीव है भाई। देखो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, हमें ब्रेकआउट वाले ट्रेड देने चाहिए, प्लस हमारा ओटीसी मार्केट लगा हुआ है। आज हमारा ओटीसी मार्केट आप लोग देख सकते हो, हमारा ओटीसी मार्केट चला हुआ है भाई, ठीक है। तो भाई ये हमारा डेफिनेटली हमारा प्रॉफिट में जाएगा, क्योंकि भाई ये ब्रेकआउट है प्लस ओटीसी मार्केट है, कब तक चीजों को फॉलो करेगा। दो पर इसने फॉलो यहाँ पे कर रखे है, मैं आपको यहाँ पे भी दिखाना चाहूंगा, दो पर इसने चीजों को फॉलो कर रखे है। देखो भाई तीसरी बार फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, और यहाँ पे 100% चांस भी मुझे मिल गए थे, बिकॉज यहाँ पे देखो एक ग्रीन कैंडल थी, मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था अगर इसको ये फॉलो करता, बट इसने इसको ब्रेकआउट दे तर तगड़ा ब्रेकआउट दे, यू कैन सी भाई ये पावर है। मैंने 2 मिनट के लिए ट्रेड पैलेस किया एंड गाइस रिजल्ट आपके सामने बिल्कुल लाइव चलता है, आप लोग देख सकते हो कितने सारे हमारे ट्रेड बिल्कुल चल रहे हैं। एंड गाइस मैंने कितना सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मैं आपको अमाउंट भी गिन के दिखा देता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मैंने गाइस पूरे $10,000-11,000 इन्वेस्टमेंट कर रखे है। एंड भाई आप लोग देख सकते हो बिल्कुल लाइव ट्रेड हमारा बिल्कुल चलता हुआ, एंड गाइस रिजल्ट आपके सामने बिल्कुल लाइव चल रहा है। सो भाई अगर वीडियो में मजा आ तो दिल से लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, फटाफट जाके मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भाई बिल्कुल भी लेट मत करो, बिल्कुल भी, बिकॉज वहां पे बिल्कुल फ्री शो शूट मिल रहे हैं, प्लस हाई लेवल आपको शो शूट दिए जा रहे हैं। एंड गाइस कुछ ही जगह की बात रह चुका, हमारा प्रॉफिट होने वाला है गाइस $10,000, इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इज अ वेरी वेरी बिग अमाउंट। एंड गाइस 4, 3, 2, 1 एंड गाइस बूम बूम भाई बूम बूम, $18,700 मेरे बन चुके हैं। एंड गाइस यू कैन सी मेरा रियल अकाउंट का बैलेंस कितना हो चुका है, $65,563। सो गाइस आई होप वीडियो में आपको मजा आया हो, तो दिल से लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के लिए, अपने बड़ा प्रॉफिट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो। सो गाइस लव यू, टेक केयर, एंजॉय द प्रॉफिट। Thank you.